एक और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी रायपुर से, जहां कोरोना को लेकर सीएम बघेल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल कठपुतली की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ईएसआईसी अस्पताल को कोविड 19 अस्पताल बनाया गया है, तो बिस्तर के वेंटिलेटर सहित सभी आधुनिक सुविधाएं डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की अलग से घर भी देंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना को लेकर भूपेश बघेल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बता दें कि तो बिस्तर वाला वेंटिलेटर सहित तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। और हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई है। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में वैसे तो राहत है, पर लगातार जो अभी हाल ही में देखा हमने कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भूपेश सरकार काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आंकड़े तो है वो लगातार बढ़ तो रहे थे, लेकिन अभी बीते 24 घंटों में जो मामले हैं वो एक भी सामने नहीं आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने एहतियात के तौर पर 100 बिस्तरों का कोविड 19 हॉस्पिटल जो है वो कठघोरा में बनवाने के लिए निर्देश दिए थे, और काफी हद तक वो जो हॉस्पिटल है वो बन भी चुका है। तो इस तरीके से जो मुख्यमंत्री है वो एक्शन मोड पर आ गए हैं और वहाँ पे हर व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 36 केस आना काफी गंभीर मामला था। तो इस तरीके से जो अभी जो मामले हैं वो थमे नहीं है, हालांकि जो मामला है वो संभल चुका है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कठघोरा में 150 लोग जो है वो हाई रिस्क क्वारंटाइन में है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो जो है कोरोना संक्रमित जो मरीज है उनके संपर्क में आए थे, तो इस तरीके से उन्हें हाई रिस्क क्वारंटाइन में रखा गया है, उन पर कड़ी निगरानी भी की जा रही है। जी सुप्रिया, जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार काफी सारी व्यवस्थाएं करने में जुटी हुई है, आशंका कहीं ना कहीं सरकार को भी है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, सरकार को बिल्कुल ये आशंका है कि जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि कठघोरा के 150 लोग जो है वो हाई रिस्क क्वारंटाइन में है, और इसी तरीके से सभी की रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। पांचवा 14वां और 28वां जो सैंपल है उस पर जो है वो करवाई जाएगी, तो वो इस तरह के जो सैंपल है वो नहीं करवाई गई है, तो सैंपल करवाई जाएगी। तो इस तरीके से जो कमेटी है वो कई स्वास्थ्य विभाग की जो कमेटी है उन्होंने भी कठघोरा में दौरा किया था, और इस दौरान कलेक्टर ने हालत की पूरी जानकारी भी दी थी। तो इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी जो है कठघोरा का दौरा कर रहा है। बीती रात ही कठघोरा से माफी कमेटी, सुप्रिया, कठघोरा से जितने सैंपल गए थे लगभग उसमें से पॉजिटिव पाए गए हैं, ज्यादातर सैंपल ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी और कठघोरा से कितने ऐसे सैंपल है जो जांच के लिए भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है? अभी तो 150 लोग जो है वो हाई रिस्क क्वारंटाइन में है ही, और बाकी जो सभी कठघोरा के जो जितने भी लोग हैं सब एक एक की जांच की जानी बाकी है, तो सभी का जो जांच है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इस तरीके से सभी की जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हमने कोरोना को हरा दिया या फिर कोरोना जो है वो नियंत्रण में है, इस तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है, और कहीं ना कहीं मंत्रियों को भी पता है कि खतरा अभी टला नहीं है। इस तरीके से कठघोरा में जो है सैंपल है वो पूरी तरह से जांच नहीं की गई है, तो मामले जो है वो और भी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैंपल की जांच होगी और रिपोर्ट आएगी तभी स्वास्थ्य विभाग को ये पता चलेगा कि कितने जो मरीज है वो कठघोरा में वाकई में पॉजिटिव है। जी चलिए शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ले रुक कर